गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम, सारी अनसर्टेनिटीज में, इस डिफिकल्ट टाइम्स में भी कुछ तो भी अच्छा है, समथिंग इज इंटरेस्टिंग इन दैट ऑल्सो, कि हमको सोचने का मौका मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं, और नया हम क्या सीख सकते हैं, हाउ कैन आई इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट, व्हाट मोर आई कैन डू, ट्राइंग टू डू सम स्केचेस, ट्राइंग टू रीड समथिंग, स्टडी समथिंग, अपने आप को जितना भी और सिखाने की कोशिश या सीखने की कोशिश वो मैं कर रही हूँ. इस पूरे इसमें हमारे लिए दो शब्द जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं. वन इज द हेल्थ, हमारी वेलबींग, एंड सेकेंड है पॉजिटिविटी. तो हमें पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी के साथ साथ जो दूसरा शब्द आता है वो है होप, क्योंकि होपफुल रहना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया. यूज टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज. वी विल हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू, अबाउट आर एग्जीबिशंस, अबाउट आर पेंटिंग, अबाउट how the collectors see the whole situation, how the artists see the whole situation. So a lot of things are going to change. It's going to be challenging for everyone in a very different way. So I would just say that only thing we can do is to stay hopeful and do our best what we can do in given situation. I always work with colors, as you all know. So I am going to work with even more colors, which can add to more positivity and more hope.